बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आसमा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आसमा का किचन। आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं मटन तुलेजी मसाला। तो आइए देखते हैं मटन तुलेजी मसाला जो है वो कैसे बनाया जाता है और इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। मटन तुलेजी लिए जी, हमारे एक बड़े साइज का मैंने टमाटर लिया है, 4 से 5 सब्ज मिर्चें ली हैं, 1 टेबल स्पून सुरख मिर्च ली है, 1 टेबल स्पून जो है वो नमक लिया है, 1 टी स्पून जीरा लिया है, 1 टी स्पून सूखा धनिया लिया है क्रश लिया हुआ, 1 टी स्पून हल्दी जाए तो इसमें, 1 टी स पून जो है वो नमक लिया है। नमक जो है वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। प्याज लिया है और 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट लिया है, 1 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट लिया है और 1 प्याली मैंने दही लिया है। ऑयल इस पर ज़रूरत इस्तेमाल होगा। बस धनिया लिया है मैंने गार्निश के लिए। मसाला एंड पे जाएगा, 1 टीस्पून। बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्राई में तलेजी डालने थे, साथ ही इसमें प्याज शामिल करने थे, लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करने थे। साथ ही इसमें मसाले शामिल कर दें थे। टमाटर और सब्ज मिर्चें भी साथ शामिल कर देंगे। नमक जो है वो एंड पे इस्तेमाल होगा। मीडियम आंच पे 15 से 20 मिनट से पकने देंगे। तकरीबन 20 से 25 मिनट हो चुके हैं, देखते हैं क्या सूरत हाल है। देखें इस पॉइंट पे एक कप जो है ऑयल डालने थे, 4 से 5 मिनट इसको अच्छे से भुनाई करेंगे। अब इस पॉइंट पर एक कप दही डाल देंगे। नमक मैंने अभी भी शामिल नहीं किया, नमक बिल्कुल एंड पे शामिल करें थे, इससे हमारी कलेजी जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट और नरम तैयार होती, हार्ड नहीं होती। हरा धनिया और सब्ज मिर्चें, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर। ये जी मजेदार सा मटन तलेजी मसाला तैयार है, डिश आउट करें। लीजिए जी मजेदार सा हमारा मटन तलेजी मसाला जो है वो तैयार है। उम्मीद है आपको तो हमारी आज की रेसिपी और वीडियो ज़रूर पसंद आई हो। तो अगर आपको तो हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाना मत भूलिए, ताकि आने वाली वीडियोज़ की तमाम नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सकें। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखिएगा, दोबारा फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।